बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ईशाल के किचन में वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। आज ईशाल के किचन में जनाब हम बना रहे हैं आलू गोश्त शोरबे वाला ढाबे स्टाइल में। कैसे बनेगा तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से बढ़ेंगे अपनी रेसिपी की जाने। आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 किलो गोश्त ले लिया। उसको वॉश करके पतीले में डाल दिया जिसमें हमने बनाना है। अब हम इसमें 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं उनको मैंने स्लाइस कट करके इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा जनाब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा गट्ठा जो लहसुन का होता है ना, वो छील के ऐड कर दिया। साबित ही हमने ऐड कर दिए हैं, कूटने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें टमाटर जो हैं बड़े 4 से 5 कट करके वो ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही मैंने इसमें तकरीबन 1/2 से 1 कप मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ले ली है, और इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के नमक चला जाएगा, 1-1 टीस्पून भर के इसमें गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया का पाउडर जाएगा। ये मैं कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये हमने बाकी जो है ना वो बिल्कुल एंड में जब हमारा रेडी होने वाला होगा तब ऐड करेंगे। और इसके अलावा 1 बड़ा गिलास भर के मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। और इसमें ज़्यादा हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है और सब्ज़ी प्याज टमाटर इसने भी पानी छोड़ना है। अब ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल बीच बीच में हमने अपनी हांडी को चेक करते रहना है। ये चेक करने भी मैंने चेक किया, इसमें पानी भी है और गोश्त भी अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो वापस हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चेक करें, पानी हमारा ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ऑयल मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, ये देखें ऑयल इसने छोड़ दिया हुआ है। अब हम इसमें जो आलू है मैंने 4 से 5 काट के वो ऐड करके अच्छी तरह से भुनेंगे। आलू ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लिया है हमने 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि शोरबे के लिए बच जाए। अब ये देखें इतना पानी मुझे पकने के बाद चाहिए, यानी कि इतना पानी मुझे शोरबे के लिए चाहिए। मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी इतना कि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएँ। ठीक है, आलू हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा पिसा हुआ धनिया हम ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल एंड में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो एंड में ऐड करके तो इसका जो फ्लेवर है ना वो अलग से ही आता है जनाब। अच्छा, अब हम इसको इसके साथ पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। मीनवाइल ये चेक करें, मैंने धनिया काट लिया हुआ है और लेमन को इस तरह से स्लाइस कर दिया है और हरी मिर्च को इस तरह से कट करके रख लिया है। ये हम बीच में हांडी में ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद हांडी को हमने ढक के तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है और फिर हमने आँच जो है अपनी बंद कर देनी है। हमारा जो आलू गोश्त शोरबा ढाबा स्टाइल वो तैयार है। ये चेक करें जनाब, हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल में आलू गोश्त शोरबा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है, लाजमी ट्राई करने। ईद स्पेशल रेसिपी है, आज ही अपने स्पेशल मेहमानों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए आज ही ये बनाएं। और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखें। जल्दी मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।